गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मेरा नेपाल में तीसरा दिन और आज मैं जाने वाला हूँ मंकी टेम्पल, उसे यहाँ पे स्वयंभूनाथ टेम्पल भी कहते हैं। और मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहाँ से आ रहा हूँ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मैं सोच रहा हूँ आज भाई वॉकिंग ही चले जाऊँ। पिछले कुछ दिनों से नेपाल का टेम्परेचर हल्का थोड़ा सा कम हुआ है, ठंडी बढ़ गई है, उसी के कारण आप देख सकते हैं मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा रफ रफ आ रहा है और मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है। फिर भी कोई नहीं, ठीक है, इसी के साथ व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और चलते चलते मैंने सोचा कि कुछ बात कर लूँ आपसे जो मुझे यहाँ पे कुछ यूनिक लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम चार्ज आपको 40 रुपीज़ लेंगे, नेपाली रुपीज़। और आपको कहीं पे भी जाना है, कितना दूर भी जाना है, चाहे वो 13 किलोमीटर हो 15 किलोमीटर हो, 40 रुपीज़ से ज़्यादा कोई नहीं लेगा अगर आप लोकल बस में चढ़े तो। और दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं स्वयंभूनाथ टेम्पल और यहाँ से मुझे अराउंड 365 स्टेप चढ़ के ऊपर जाना है ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। मंकी कोक पी रहा है अभी, ये टूरिस्ट ने मंकी को कोक दिया और मंकी कोक पी रहा है। तो ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो थोड़ा संभल के खाने पीने को चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंकी है तो मंकी कभी भी स्नैच कर सकते हैं। मैं और आपको यहाँ पे छोटे छोटे सोविनर के दुकान मिल जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए भैया, कितने को ये? 350 एक कड़ा, सब 350 का है? नहीं नहीं नहीं, ये 150 का, ये तो सब अलग अलग है, अलग बैठेगा मेरे हाथ को? आपके हाथ में छोटा लग रहा है, छोटा साइज में है ये, आप ले सकते हैं ये। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा कड़ा टाइप चाहिए था। तो ठीक है, आप यहाँ पे आके शॉप से ये सब भी ले सकते हैं, हम लोग सस्ता देते हैं। भैया को देख लीजिए, भैया सस्ता देते हैं, ऑन द वे आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये दिस टाइप का 300 है ना भैया जी, और ये स्टोन है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये हैंडमेड है, इसको ना आइस टाइप में बना गया है। अच्छा, चक्र बोलते हैं हम लोग, हाँ। और इसमें स्टोन लगा हुआ है, कोरल स्टोन एंड टर्क्वाइज। ओके, ये आपको टर्क्वाइज स्टोन है, ये लकी स्टोन है। लकी स्टोन है, अच्छा अच्छा। काला ब्लैक जो है ओनिक्स, ओनिक्स। तो यहाँ पे आके आप, क्योंकि ये हैंडमेड है ना, देखते ट्राई करके देखते कैसा लग रहा है। भैया बोल रहे हैंडमेड है, और ये देखिए दोस्तों, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे आपको देखिए, आप कुछ बता सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंस? ओके, किचन मिल सकता है आपको। और ये फ्लैग क्या है भैया, फ्लैग के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। इसको बुद्धिस्ट प्रे फ्लैग बोलते हैं। अच्छा, ये 5 कलर का रहता है, 5 तत्व बोलते हैं, 5 एलिमेंट सिंबल। ओके, इसमें जो येलो है वो फायर, ग्रीन अर्थ, रेड इज ब्लड, white is water, okay, and blue one wind, oxygen. So the 5 elements symbol is connected for our body, हमारे शरीर से connected होता है। हमको चाहिए water भी important है, fire भी important है, wind oxygen भी important है। ये धरती नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। So this is prey fly, और इसमें मंत्र लिखा हुआ रहता है। अच्छा, Buddhist writing में होता है ये, जो टिबेटन राइटिंग बोल। ओके ओके, और ये सब आपको मंत्र, हजारों मंत्र एक फ्लाइट में मिलेगा। अच्छा, तो इसमें ऑलमोस्ट 15 पीसेस है, तो 15,000 से ऊपर मंत्र है। तो 15,000 से ज्यादा, और ये आप अपने घर गार्डन में रखने से शुभ होता है, नेगेटिव एनर्जी वहाँ नहीं आते हैं, और ऑफरिंग भी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भैया आपका नाम क्या? मेरा नाम अजीत। अजीत, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल जाए, मैं ऊपर आके ऊपर से आता हूँ तभी कुछ ले लूंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू भैया। हम कुछ मैसेज, अरे बोलिए बोलिए, जरूर। आप लोग को अगर चाहिए तो हम सस्ता देते हैं, वी मेक अ स्मॉल प्राइस, वेरी चीप प्राइस, बिकॉज वी हैव अ स्मॉल शॉप हियर, एंड यू फाइंड मेनी ब्रेसलेट फॉर द स्टोन वन, आई हैव मेनी प्रे फ्लैग्स, मेनी नाइस माला, यू गेट एवरीथिंग चीप एंड बेस्ट प्राइस। ओके, अजीत। अजीत, तो आप जब बुद्ध सुबह, चलिए थैंक यू भैया, मैं आता हूँ अभी ऊपर से, ठीक है, चलिए हाथ मिलाइए। तो आप जब ऑन द वे जाओगे तो स्टेज के वे में आपको अजीत भैया का शॉप मिल जाएगा, और वहाँ से ले लीजिए, चिप भी है, अगर आपको प्रेयर फ्लैग या कुछ लेना है तो वहाँ से ले सकते हैं आप। आइए यहाँ पे ले लीजिए। आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये साइट जो है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में आया जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं काफ़ी सारे भीड़ है, काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे। ये देखिए
मंकी देखे। और दोस्तों 365 स्टेप चढ़ना कोई मजाक नहीं है, बट एक बार आप ऊपर चढ़ के आओगे तो ये सब वर्थ इट लगेगा। और यहाँ के जो मंकी दिख रहे हैं उनको भी एक गॉड हनुमान के रूप माने जाते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं उनको भी पूजा जाता है यहाँ पे। जहाँ तक बोल रहा था, ये जो आपको व्हाइट डोम दिख रहा है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को, और उसके ऊपर आपको जो ये आइस दिख रहे हैं वो उसको बोलते हैं बुद्धा साइज, और वो चारों डायरेक्शन में वो रिप्रेजेंट करता है पीस और विन। उसके ऊपर जो आपको 13 रिंग दिख रहे वो रिप्रेजेंट करता है 13 लेवल ऑफ लाइफ। के साइड में एक पगोड़ा स्टाइल टेंपल भी मिल जाएगा। माना जाता है कि नेपाल में मीन्स बुद्धिज़्म और हिंदू को साइड बाय साइड माना जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कभी कभी रिलीजन्स के वजह से या किसी चीज़ के वजह से कुछ झगड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे सब एक साथ रहते। और यहाँ अराउंड 80% हिंदू लोग है और अराउंड 10-12% बुद्धिस्ट लोग है। एक सिटी व्यू भी दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे तो सब हो गया, अभी मैं नेक्स्ट माउंटेन में जाके आपको एक सिटी व्यू दिखाता हूँ पूरा। और ये है इसका मेन एंट्री साइड, हम शायद बैक साइड से आए, और यहाँ पे आई थिंक आपको एंट्री फी भी दिख जाएगा, वो दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे एक गेम चल रहा है, गेम इन द सेंस अगर आपने उस स्पॉट के अंदर वो कॉइन डाल दिया तो आपका दिन लकी जाए। भी ट्राई करता हूँ, किसी कॉइन मांगता हूँ, कॉइन के भी चार्जेस रहेंगे, देखता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ट्राई किया बट एक भी नहीं गया, चलिए आपको अदर साइड दिखाता हूँ। तो भाइयों कुछ कुछ बताइए बुद्ध स्तूपा के बारे में। बुद्ध 531 AD से है। अच्छा, और ये बुद्ध का ठीक है, कोई नहीं, नाम क्या आपका? आर्य। ठीक है ठीक है, नाम क्या है? यूट्यूब चैनल नाम क्या है? नाम विक शो रहेगा, 5000 अभी स्टार्ट किया है। ठीक है ठीक है, धीरे धीरे ग्राइंड करो। ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। ठीक है, दो तीन भाई मिले हुए थे, उनसे थोड़ा बात किया, अभी ये साइड जाके देखता हूँ। यहाँ पे आई थिंक सो माउंटेन व्यू अच्छा है यहाँ से, जिस व्यू की मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये देखिए। और दोस्तों सच में मैं तो बोलूँगा एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए, यहाँ पे आने के बाद आपको एक पीस और स्ट्रेंथ मिलता है, और उसके ऊपर एक अलग ही वाइब काठमांडू का जो आपको सिटी में नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक पीसफुल और अलग सा काठमांडू लगता है। दोस्तों अभी मैं स्वयंभूनाथ से निकल चुका हूँ, और अभी मैं यहाँ के मीन्स माउंटेन के एकदम नीचे जाऊँगा, वहाँ पे बुद्ध के 3 बड़े बड़े स्टैचू है, और उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। और ऑन द वे डाउन जाते जाते भी आपको ये सब मिल जाएगा, मीन्स थोड़े छोटे मोटे दुकान मिल जाएंगे सोवेनियर के। मैं अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पे तो मुझे कुछ एंट्री फी या कुछ दिखा नहीं, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ एंट्री फी रहेगा। ये देखिए, ये अराउंड 20 feet बड़े स्टैचू है, ब्रॉन्ज के स्टैचू है, और ये अराउंड 2003 में बिल्ड हुए, और ये तीनों स्टैचू के अपने अपने नाम है। पर जो बीच में उसे यूनिवर्सल बुद्धा कहा जाता है, वो अपने विजडम के लिए जाना जाता है, और जो लेफ्ट साइड में उसे पद्मपाणि कहा जाता है और वो जाना जाता है उसके हाथ में जो लोटस है उसके लिए, और जो राइट साइड में उसे अमिताभा भी कहा जाता है, जिसको बुद्धा ऑफ इन्फिनिट लाइट भी कहा जाता है। तो यहाँ इसके पीछे जाके देखते क्या है। और स्टैचू के पीछे आप देख सकते हैं थोड़े बहुत प्रेइंग व्हीले, और थोड़े बहुत ऐसे कुछ टेंपल टाइप कुछ तो बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों बुद्ध स्तूपा जाने से पहले कुछ पेट पूजा कर लेते, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा कैफे दिखा है जहाँ पे मोमो बेच रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मोमो ट्राई करूँ। ये देखें, तो दोस्तों मोमो आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमो ऐसे मिलता है। ये जो ग्रेवी देख रहे हैं आप, ये सेसमी सीड्स की ग्रेवी है और एकदम टेस्टी है, और चलिए खा के रिव्यू देते हैं। एकदम टेस्टी है दोस्तों, जो अंदर का जो मीट है एकदम जूसी और अलग ही टेस्ट आ रहा है, जो इंडिया में मोमो खाते उससे काफ़ी अलग है। तो चलिए खा के मिलता हूँ आप।